नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जासूसी की जांच में। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भारत में आम चुनाव के दौरान पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर निगरानी के लिए इजराइल के स्पाइसवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। ये खुलासा सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी संघीय अदालत में दायर एक मुकदमे के बाद हुआ, जिसमें व्हाट्सएप ने आरोप लगाया है कि इजरायली एनएसओ समूह ने पेगासस से करीब 1400 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया। ये काम पेगासस नामक स्पाइसवेयर सॉफ्टवेयर ने किया। इस तकनीक का विकास इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने किया है। स्पाइसवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल से गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेता है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जासूसी की गई है, लेकिन सूबे में राजनीति तेज होने पर सरकार ने जांच के आदेश देते हुए एक टीम का गठन कर दिया है। और ऐसे में आज चर्चा जासूसी की जांच के इसी मुद्दे पर। इजरायली खुफिया साइबर कंपनी एनएसओ के बनाए पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए राज्य के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराए जाने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। भूपेश सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। चर्चा यह भी है कि रमन सरकार के दौरान इजरायली कंपनी एनएसओ ने राज्य के आला अधिकारियों के सामने सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। कमेटी इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या पिछली सरकार में इस तरह से जासूसी कराई गई थी या नहीं कराई गई थी। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मुद्दे ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। हलचल इसलिए क्योंकि इसकी आज पिछली सरकार के कामकाज तक जा पहुंची है। चर्चा है कि रमन सरकार के दौरान इजरायली कंपनी एनएसओ ने राज्य के आला अधिकारियों के सामने सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। कमेटी इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या पिछली सरकार में इस तरह से जासूसी कराई गई। जांच कमेटी के प्रमुख सचिव गृह सुब्रत साहू के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटी में रायपुर रेंज के आईजी आनंद चावड़ा और जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं। ये कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के चार मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया, शालिनी गेरा, डिग्री प्रसाद चौहान और आलोक शुक्ला के व्हाट्सएप के जरिए जासूसी कराए जाने की खबरें सामने आई थी। सरकार ने अब इसकी जांच कराए जाने का फैसला किया है। जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि जासूसी करना जासूसों का काम है, वो इसे करते रहेंगे। नागरिकों की निष्ठा को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी इसे करता ही रहूंगा। इधर सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि मामला गंभीर है, यदि कोई नियम विरुद्ध काम करता है तो उसे भयभीत होने की जरूरत है, जो सही रास्ते पर चल रहा है उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये फोन टेपिंग का मामला गंभीर होता है और यदि राज्य शासन की ओर से संज्ञान लेकर इसमें यदि जांच की कार्रवाई की जाती तो उचित होना चाहिए। देखो, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि नियम विरुद्ध कोई काम करेगा तो भयभीत उसको होना है, जो सही रास्ते चल रहा है उसको भयभीत होने की जरूरत। इधर बीजेपी ने राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस देश में कानून और संविधान है, निजता का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों मुकेश गुप्ता के मामले में जांच चल रही थी, उसमें मुकेश गुप्ता का यह आरोप है कि सरकार उसके परिवार की फोन टैपिंग कर रही है। सरकार ने इसे कोर्ट में भी स्वीकार किया था। बहुत बड़ी बात थी कि सरकार ने खुद उसे स्वीकार किया। ऐसे समय में भूपेश बघेल सरकार की छवि खराब हुई। उसमें मुकेश गुप्ता का ये आरोप कि सरकार उनके परिवार की फोन टैपिंग कर रही है और वो लगभग सिद्ध हुआ, सरकार ने भी इसको कोर्ट में स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी बात थी कि सरकार ही उस बात को स्वीकार करी कि हम इस बात को कर रहे थे। ऐसे समय में भूपेश बघेल की सरकार की छवि खराब हुई, तो मुझे लगता है कि उस पूरे विषय को डाइवर्ट करने के लिए, उस पूरे विषय पर अपनी छवि को सुधारने के लिए इस तरह की एक जांच कमेटी है। लेकिन सरकार इनकी है, जांच कमेटी करे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सरकार सभी प्रकार के कृत्यों में इन्वॉल्व रहती है और अब दबाव में आकर इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है, लेकिन कुल मिलाकर निष्ठा का हनन होना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि पिछले महीने ही ये खबर सामने आई थी कि व्हाट्सएप के जरिए कई भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जासूसी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम इनमें शामिल थे। सरकार को इस मामले में कुछ अहम इनपुट मिले, जिसके बाद जांच बिठाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं धनंजय सिंह हैं,
कांग्रेस प्रवक्ता हैं उचित शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और रविकांत कौशिक हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह हमारे साथ रायपुर स्टूडियो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है, तमाम सारे सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। आपकी सरकार में लोगों की निष्ठा भंग हो रही है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि हमारे सरकार में किसी की निष्ठा भंग नहीं हो रही है। ये जो सूचनाएं जो प्राप्त हुई है, ये पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जिस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसके मुख्य डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं जी, उस दौरान का पूरा मसला है। इजराइल के कंपनी जो जासूसी उपकरण बनाता है, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम जनता की निष्ठा पे हमला करता है, उस जांच का पूरा प्रकरण, उसके अधिकारी छत्तीसगढ़ आते हैं और उस तत्कालीन सरकार के दौरान जो शीर्ष अधिकारी थे, ऐसा सूचना प्राप्त हुई, उनसे उनकी बैठक होती है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नामचीन लोगों का जासूसी करने का उसमें एक बात सामने प्रकाश में आता है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के राज्य का आम नागरिक को जो मौलिक अधिकार मिला है, जो उनकी निजता का मसला है, जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस मद्देनजर पूरी जांच की कमेटी घोषणा किया है और उसमें तत्कालीन जिस समय इजराइल के सॉफ्टवेयर कंपनी छत्तीसगढ़ आता है, उसमें उनको किसने बुलाया था, वो किनसे मिले थे, किस किस लोगों का टेप किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता के निजता का मामला है, इसलिए पूरी जांच की घोषणा की गई है। और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी अवैधानिक तरीके इसमें शामिल रहे होंगे, उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुकेश गुप्ता की फोन टैपिंग के मामले में भी आरोप लगातार सरकार पर लगते रहे, लेकिन सबसे पहले अब मैं जाऊंगा रविकांत कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। रविकांत जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? सर, जरा दर्शकों के लिहाज से भी हम जानना चाहेंगे। जो मैं एक चीज बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है जी, और संविधान के अधिकारों का कोई भी अगर वो हनन करता है, तो चाहे वो व्यक्ति हो या संस्थान हो, वो संविधान विरोधी काम करता है। मेरा सीधा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और जो भी आदमी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के नाम पर सिर्फ जांच बिठा दिया कह करके परचम लहरा लेना, शाबाशी ले लेना, ये नहीं होनी चाहिए। जांच अगर हो रही है तो जांच का ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए, परिणाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़िया यदि सबसे बढ़िया है, तो छत्तीसगढ़ में वेरी गुड प्रशासन होना चाहिए, अच्छा प्रशासन होना चाहिए और अच्छा कृत्य भी होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे जनतंत्र हो। और अगर किसी भी तंत्र में अगर कोई भी विसंगतियां हैं, मैं इस बात से आज मोहम्मद अकबर जी के बात से सहमत हूं और मुख्यमंत्री ने जो जांच के निर्देश दिए उनका स्वागत भी करता हूं, परंतु ऐसी सारी विसंगतियां क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन तमाम कारणों का निवारण होना चाहिए। हर कारण का निवारण होता है और निवारण होना भी चाहिए। जो जांच कमेटी बनी है, उससे भी अपेक्षा की जाएगी कि वो एक महीने में ईमानदारी के साथ में इन पूरे प्रकरणों की जांच करे और इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इसमें ये मामला बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चीजें पूर्ववर्ती सरकार के समय से सुनने में आई थी, और अगर इस सरकार में अभी अगर वो बेईमानी अगर है, तो वो स्वागत योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार इसी शर्त पे आई है, वक्त का है, बदलाव का, हम बदल देंगे, सारी जो विसंगतियां हैं बदलेंगे करके आई थी। अगर वही चीज अगर इसी सरकार में भी अगर हो रही है, जैसा कि कुछ समय से ये बात आ रही है कि बस्तर के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों के फोन टेपिंग हो रहे थे या और भी लोगों के फोन टेपिंग हो रहे थे, फोन टेपिंग संविधान में किस तरह से करने का अधिकार है, किसके लिए अधिकार है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा ये मानना है। और अगर ऐसा जो भी कर रहा है, तो वो राज्य के साथ में अन्याय कर रहा है, राज्य में के साथ में अन्याय करने के साथ साथ में वो संवैधानिक व्यवस्था का भी उल्लंघन कर रहा है, और जो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, वो राज्य हित का व्यक्ति या राज्य हित का प्रशासनिक अधिकारी कतई नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों को जहां जो स्थान होना चाहिए, वहां उनको भेज देना चाहिए। रविकांत जी, इस सवाल का जवाब मैं धनंजय से लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ये उचित शर्मा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, लगता है निजता आपकी सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आए दिन जासूसी के प्रकरण सामने आते रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, तो उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं निजता है वो सवालों के घेरे में, और निजता कहीं ना कहीं बाहर जा रही है। उचित जी, जी
सही कहा। देखिए भाई साहब, क्या होता है कि ये जो एक फोन टैपिंग या इनकी रिकॉर्डिंग या इनकी जासूसी, क्या होता है कि जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, ये इनके निशाने में सरकार के रहते हैं। पूर्व सरकार में, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने तो पूरे इनकी बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से अपने डीपीआर द्वारा इनकी वीडियो बनवाए, इनके अश्लील वीडियो बनाने का लक्ष्य रखा, इनके अश्लील वीडियो के लिए फंडिंग की, इनके अश्लील वीडियो बनाने के लिए विदेश यात्राएं कराई। सारे कर्म ये पिछले 15 सालों में कर चुके हैं। एक्चुअल में, हकीकत में, ये भाजपा सरकार का एक्चुअल एक गुजरात मॉडल है। ये जो मॉडल डेवलप होकर गुजरात से जो आया है, गुजरात में कौन इस चीज को कराते आया ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि गुजरात मॉडल ने कहां से शुरू हुआ है और किन की टेप रिकॉर्डिंग की जाती थी, किन की जासूसी की जाती थी। पिछले 15 साल में हम लोग जब से व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में ऑफिसर भी इतनी हिटलरशाही थी, डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुकी थी, हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप जो थी उसके कारण लोग व्हाट्सएप कॉल करते थे, डायरेक्ट कोई ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स कॉल नहीं करते थे, क्योंकि इनका लक्ष्य जो था किसी पत्रकार को एक हैंडल करना, टेकल करना एक आसान, थोड़ा सा आसान होता है बनिस्पत सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट के, क्योंकि पत्रकार एक हायरार्की में चलता है, उसके सीनियर होते हैं, उसके संपादक होते हैं, उसके मालिक होते हैं, लेकिन एक एक्टिविस्ट, एक जुनूनी आदमी के कोई भी मालिक या कोई भी आका नहीं होते, तो इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए। तो ये जरूर है कि ये पिछली सरकार इसको कराते आ रही थी और इसके ठेके दिए गए थे, पूर्व सरकार ने ठेके दिए गए थे, जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग और साक्ष सब साथ में, पिछली बार सबने देखा कि कैसे डीपीआर ठेका दे रहा है कि इनकी भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जितने एक्टिविस्ट हैं कहीं ना कहीं चुनाव में काम आएंगे। और ये भय है, ये भय है, क्योंकि अगर हमारी सरकार का सत्ता पलट या हमारी सरकार को कोई अगर कुछ हो सकता है तो इन्हीं एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा। आज हमारे, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, ये बेला भाटिया चाहे आलोक शुक्ला, इन सब के साथ हम लोग सब साथ काम कर चुके हैं और इन सब चीजों से हम सब के सब परेशान भी है, डरे हुए भी है, भयभीत भी है, रह चुके हैं। अब थोड़ा सा राजनीतिक फिजा बदलने के बाद, राजनीतिक नई सरकार आने के बाद थोड़ी सी राजनीतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन हुआ है उससे फिजा तो बदली है, भय थोड़ा खत्म हुआ है। हमें वह जो भय पिछले 15 साल से था वो भय आज नहीं है, लेकिन ये डर जरूर बना हुआ है कि पिछली सरकार ने अगर कुछ रिकॉर्डिंग हमारी निष्ठा में जो हनन किया है उसका उपयोग वो कहां करती है। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ, रविकांत कौशिक जी ने बहुत स्पष्ट और कम शब्दों में कह दिया कि जो संविधान के खिलाफ है, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, उसको कड़ी से कड़ी हिंदुस्तान की नीतियों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सजा मिलना ही चाहिए और उसके निर्णय भी जल्दी आना चाहिए, ताकि वो आम जनता और ऐसे लोगों के सामने एक नजीर पेश कर सके कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या क्या कृत्य होगा और क्या उसकी सजा मिलेगी। उचित जी, मैं तो बहुत साफ शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा जी कि संविधान के दायरे में सारे बंधे हुए हैं, संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो रविकांत कौशिक हो, चाहे इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, संविधान से सारे लोग बंधे हुए हैं। और संविधान का जो उल्लंघन करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, और संविधान विरोधी व्यक्ति को या संविधान को छेड़छाड़ करके काम करने वाला व्यक्ति राज्य हितैषी, देश हितैषी हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से जहां जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो। और हमारे लिए भी मर्यादा बनी हुई है और हमको भी मर्यादा में व्यवहार करना चाहिए, और हम इस चीज की प्रयास करते हैं। उचित जी ने कहा कि कई पत्रकारों को भी यह हुआ, परंतु मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अभी भी कई पत्रकार लोग हैं जब इन चीजों को फेस किए हैं और उसके बाद भी ना सरकार के सामने डरे हैं और ना झुके हैं, और ना कभी डरेंगे और ना झुकेंगे। सारे पत्रकार ऐसे नहीं है, परंतु कुछ पत्रकार अभी भी हैं कि जो इन चीजों को फेस करते हैं और आराम के साथ में अपना काम करते हैं। और हम जब संविधान के विपरीत अगर काम न कर रहे हो तो सरकार की इस प्रकार की टुच्छाईगिरी से या किसी भी नेता की इस प्रकार की दूसरे किस्म की दुष्कृतियों के सामने हम क्यों झुके। निश्चित रूप से धनंजय जी, जिस तरह से मुकेश गुप्ता की फोन की टैपिंग हुई थी और सरकार ने खुद कबूला था कि हाँ मुकेश गुप्ता की फोन की टैपिंग की है, तो लगता नहीं है कि सरकार के लिए इससे एक बड़ी छवि खराब होगी। सरकार ने भी तो मुकेश गुप्ता की निष्ठा का हनन किया था। देखिए जिस व्यक्ति, देखिए इसमें कई सारे कानूनी जो अधिकार है जी, जिसमें इंटेलिजेंस को अधिकार है, अगर कोई बड़ा गंभीर प्रकरण होता है, कोई बड़ा आरोपी होता है या कोई बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं होने की संभावना होती है, तो इसमें कानूनी तौर पर जाके
उसकी प्रकरण की अनुमति होती है और जिस व्यक्ति का फोन टेपिंग का बात आ रहा है उस पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ जब पूर्ववर्ती सरकार रहा है उस दौरान खुद के उनके खुद के अपने एक निजी संसाधन की भी बात सुनने में आती है कि उन्होंने खुद का एक निजी इंटेलिजेंस फोन टेपिंग का पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया था, ऐसी बातें सुनने में आती है। और कई सारे अधिकारियों का फोन टेपिंग गैर तरीके से किया गया था, कई नेताओं को किया गया था, पूरे प्रकरण उसमें चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने कबूला था ना, सरकार ने कबूला था कि मुकेश गुप्ता की फोन टैपिंग हुई है, की है। नहीं तो कानूनी तौर पर हुआ ना, सरकार कबूल रहा है, सरकार का अगर किसी चीज कबूला तो निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर हुआ, उसमें जो आदेश होंगे वैधानिक तौर पर आदेश होंगे, उसीलिए बात को स्वीकार किया कोर्ट में, न्यायालय में झूठ तो नहीं बोला गया। लेकिन जिस प्रकार के पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पे एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नामचीन लोगों के फोन टैपिंग का मसला सामने आ रहा है, वो जो वार्ड सदस्य हम सब सुरक्षित मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो हमेशा जासूसी करने में विश्वास रखती है, लोगों को पीछे करने पर विश्वास रखती है, और जो आम जो प्रमुख नेतागण है, जो विपक्षी दल के नेता है, उन पे जिस प्रकार से उनका हमेशा नजर रहता है, यह उजागर होने को आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों की निजता, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के समिति गठन की है, जिस प्रकार से जिसमें जो भी दोषी जो होंगे निश्चित तौर पर जांच का विषय है। रविकांत जी, धनंजय जी के जवाब पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, आप प्रश्न जो पूछेंगे मैं उसको जवाब दूंगा सर। नहीं, बात इनकी पार्टी की हो रही है, निष्ठा के हनन की हो रही है, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को बीच में घुसेड़ देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विषय इसलिए आएगा ही क्योंकि इस प्रकार के कृत्यों का जन्म राज्य में उनके शासन काल में हुआ जी। तो कारण के निवारण जब खोजे जाएंगे तो तार बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी कि यहीं से हो रहा था या इससे पहले भी हो रहा था, और अगर इससे पहले हो रहा था तो इसके पहले कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, वो सारी चीजें आएंगी। तो हाँ, ये बात अलग है कि जांच का दायरा कोई सीमित कर दे तो फिर बात मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता, नहीं तो फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो अगर बात कह रहे हैं, परंतु उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी सरकार में ये सब चीजें नहीं होगी और हम ये नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा होगा तो हम पार्टी फोरम में इस बात को रखेंगे और इस पार्टी फोरम में भी इसका उचित तरह से विरोध करेंगे। और आज चूंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इसकी जांच होंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद कि इस प्रकार के कृत्य यहाँ इस राज्य में नहीं होंगे, और अगर इस राज्य में अगर ये सब कुछ होगा तो हम मान के चलेंगे कि राहुल गांधी ने 10 अगस्त को इसी राजीव भवन में जो बात अपनी कही थी उस बात के विपरीत चले गई है कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार। अगर उनकी बातों का उन्होंने पूरी तरह से कहा था कि हमारी सरकार पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी, हमारी सरकार पूरी तरह जवाबदेही होगी, हमारे दरवाजे सबके लिए सब पल खुले रहेंगे, अगर उसके विपरीत अगर उनके लोग अगर काम करेंगे या उनकी पार्टी के लोग काम करेंगे या उनकी सरकारी तंत्र का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम मान लेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा उसके विपरीत चल रही है राज्य के कांग्रेसी सरकार संगठन और उसके तंत्र। और अगर सब कुछ अगर राहुल गांधी ने जो कहा जिसके दम पर इनके जिसके दम पर 10 अगस्त 2018 को जब कहा गया कि यहीं से शंखनाद होगा, हम यही राजीव भवन से मंत्रालय की ओर कुछ करेंगे और मंत्रालय जाने के बाद हम वो सब कुछ नहीं करेंगे जो भाजपा के शासनकाल में होता था, हम वो करेंगे जो जन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो जन अपेक्षा है कि खुली पारदर्शिता हो, और खुली पारदर्शिता या निष्ठा का अगर हनन होगा तो उस चीज के लिए कांग्रेस की भी आलोचना होगी निश्चित रूप से। धनंजय जी, कब तक जो सरकार जैसा व्यवहार करेगा उस पर भी सामने आएंगे। देखिए, आज इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए कमेटी गठित किया गया है और निश्चित तौर पर इसे टाइम लाइन फिक्स कर देती है, 1 महीने के भीतर इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाएंगे, उसके बाद जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इस प्रकरण में कौन कौन लोग शामिल है, उनका क्या उद्देश्य रहा है, किस प्रकार के उद्देश्य के साथ उन्होंने इस पूरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कंपनी को बुलाया था, क्योंकि जो NSO है इस पर तो एक गंभीर आरोप भी लगा है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो राजनीतिक विरोधियों की को मौत के घाट भी उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं गंभीर पूरा मसला है। और जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखते हैं कि 1400 लोगों की व्हाट्सएप का टेप किया जाता है, उसमें ज्यादातर नेता भारत के हैं, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी,
कि अभी व्हाट्सएप को हैक किया गया था, उसी भी टैपिंग हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी है भूपेश बघेल जी, जिसे प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी भी फोन कॉल को टैपिंग किया जा रहा था। ममता बनर्जी जी है जो बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका भी पूरे प्रकरण पे नाम आया, उनके भी व्हाट्सएप में टैपिंग किया गया है। प्रफुल्ल पटेल है राकपा का नेता, उनका भी आया। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण की आप देखेंगे विस्तारित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप में दिखता है। और इजराइल के साथ जो सॉफ्टवेयर है उसे क्यों यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि एनएसओ एक प्रकार से ये बोलता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आतंकवादी जो गतिविधि है उस पर विराम लगाने के लिए है। और निश्चित तौर पर वे अपनी टेक्नोलॉजी उनको ही देते हैं, जिनको जो राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रीय सलाहकार जो अगर उसमें अनुमति प्रदान करे, तो पूरे विषय में समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक विरोधियों को और जो सरकार को खतरा महसूस होता है कि ये जो मानवाधिकार संगठन के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ बात उठा रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जासूसी इनके द्वारा कराया गया ऐसा स्पष्ट होता है इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो। उजीत जी, आपको लगता नहीं है कि और पूरे जांच एक महीने भीतर होकर दोषी कार्रवाई की जाएगी? जी उजीत जी, आपको लगता नहीं कि जिस तरह से जो प्रकरण सामने आया है, इसमें छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार नहीं, दिल्ली के भी कुछ ऐसे बड़े पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके फोन टैप किए गए हैं, उनके व्हाट्सएप लीक किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसे कोई एक बड़ा षड्यंत्र है, कोई शक्ति ऐसी है जो देश के लिए एक हानिकारक है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में ये सब चल रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अभी से नहीं, 2002 से गुजरात से चल रहा है। आप देखिए कि एक फोन टैपिंग करना, मैं आपको बता दूं, फोन टैपिंग करना असंवैधानिक नहीं है, अगर उसके प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए अगर वो कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एसपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईजी और मुख्य सचिव, ये तीनों की एक कॉम्बिनेशन में उसके प्रोटोकॉल मेंटेन किए जाते हैं। आपको बताना पड़ता है कि आप किसके लिए ट्रिप कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयोगी है, क्या वो किसी मतलब किसी क्रिमिनल उसमें शामिल है। दो तीन रीजन है जिसके कारण आप फोन टैपिंग कर सकते हैं, और उसकी परमिशन मुख्य सचिव महोदय देते हैं। और आईबी को ये भी बताना पड़ता है कि कब से कब समय तक, वो टाइम लिमिट है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रोटोकॉल मेंटेन किए नहीं गए, यहाँ पे तो बताया भी नहीं गया कि वो किसी पत्रकार है तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी है, वो पत्रकार किसके क्रिमिनल है या किसके मर्डर करके भागे हुए है या एब्सकॉन्डिंग है, वो तो बताया नहीं गया। किस बिना पे, किस जुर्म में आप उनकी फोन टैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सत्ता को डर है क्या? आपकी सत्ता को डर है, राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाती है? देखिए, यही फर्क है कि सत्ता लोलुपता के कारण इनको भय एक बना रहता है कि भाई मेरी सत्ता के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो वो देशद्रोही है। तो आपके खिलाफ बोलना देशद्रोह जैसा हो गया है इन 15 सालों से, इसी कारण ये फोन टैपिंग कराते हैं। और छत्तीसगढ़ के ही नहीं, अन्य ये तो इनका राष्ट्रव्यापी मॉडल है, जो इनके साथ नहीं है ये मानते हैं वो हमारे खिलाफ है। तो वो फोन टैपिंग करना, वो व्यवस्थाएं करना जो असंवैधानिक है, और ये इनके लिए तो कुटीर उद्योग है, रिकॉर्डिंग जो है वो कुटीर उद्योग है, इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं खुल के लगाई हुई है। ये एक ऐसा, क्योंकि 10-15 सालों में आईटी एक्सपर्टीज काफी हो गई है, काफी चीजें आ चुकी हैं, तो आज की डेट में बहुत आसान हो, और इसराइल इस चीज में एक्सपर्ट है। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फोन टैपिंग और व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इस इसराइली कंपनी का भी ईवीएम जैसे हैकिंग से भी नाता रहा है। आप देखिए, इसको कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, हालांकि आप अन्य मुद्दों पर अपन नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये वो है, ये आज की डेट में ईवीएम हैकिंग भी सक्षम है, और इसी इजराइल टेक्नोलॉजी के कारण ईवीएम की आपको चाहे तो जैसा आप चाहे वैसे आप मैनेज कर सकते हैं, 60%, 70%, 80%, और जिसके यूज करना चाहे हो सकती है। इतना हाईटेक हो चुका है आजकल आईटी, तो ये उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, अपने जितने भी फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म है उसकी यूटिलाइजेशन चालू है। और बहुत बड़ा एक रैकेट, जो आईटी एक्सपर्टीज जो इंडिया या इंडिया के बाहर के हो, ऐसे लोग इनकी टीम में काम कर रहे हैं, जो इनको बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से ये चीज संभव है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस देश में उपलब्ध है। आखिर प्रेजेंटेशन देना छत्तीसगढ़ में, इस तरीके का प्रेजेंटेशन कंपनी को आना क्यों संभव हुआ? आखिर रमन सरकार को क्या भय था, किससे भय है? आप तो केवल राजनीतिक विपक्ष हो सकते, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए वो राष्ट्रद्रोही जैसे है। ये किसमें संलिप्त है बताया ना, कोई सीमी के सदस्य है भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस के सदस्य लोग या सामाजिक कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट जितने हैं, क्या सीमी के कार्यकर्ता है कि आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं? आपको भय है हमारी सत्ता पलटने का, वो हुआ भी, सत्ता इनकी गई वो हुआ भी, और यही सब कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के पाप आज तक चले आ रहे हैं, और आने वाले लगता है 2-4 साल तक और इनके ही पाप चलते रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है।
ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा रविकांत जी से। जांच कमेटी आज गठित कर दी गई है, एक महीने के अंदर सारे जासूसों का पर्दाफाश करने का दावा सरकार ने किया है, क्या लगता है सर, कितना भरोसा है इस जांच कमेटी पर? अब वक्त है, इंतजार कीजिए, मैं तो यही कहूंगा और उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल जी की टीम की एक नई कमेटी बनी है और नए गृह सचिव हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर कुछ न कुछ होगा, क्योंकि जो जिन अधिकारियों के नाम हैं उन अधिकारियों के अच्छे काम के नाम से वो जाने जाते हैं, तो उम्मीद की जाते हैं कि या तो फिर हमारे पास एक विकल्प है कि धनंजय जी आपके आज 12 तारीख है, इनको एक महीना 10 दिन का समय अपन लोग दे देते हैं, फिर एक महीना 10 दिन के बाद बात करेंगे इनसे कि भैया तारीख पर तारीख निकल गई, अब क्या हुआ बता दो, या तो धनंजय जी बताएंगे, अब अगले महीने जो है इस महीने की 12 तारीख को आपने हम लोगों को तीनों लोगों को चैनल में बुलाया है और हम लोग धनंजय जी के साथ तो फिर आ जाते हैं आपके अगले महीने के 12 तारीख के बाद जो है 10 दिन का समय और दे करके 22 दिसंबर निश्चित तौर पर उस दिन अपराध का होना ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक उसमें दावा सरकार का है ना, हमारा दावा नहीं है, जांच पूरी हो जाएगी, अपराधी का चरित्र जनता के बीच में आ जाएगा, चेहरा उजागर हो जाएगा और तत्कालीन सरकार जो रमन सिंह जी की सरकार रही है, आगे जांच होगी, जांच में क्या कुछ सामने आएगा वो देखना है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और हमारे लिए भी बेहद दिलचस्प रहेगा। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश जासूसी की जांच में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।